के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने नेशनल रैली पार्टी की दक्षिण पंथी उम्मीदवार नेता मरिन ले पेन को हरा दिया। कोरोना से बेहतर ढंग से निपटने की वजह से लोग उन्हें पसंद भी कर रहे थे। पूरी दुनिया की निगाहें इस देश के चुनाव पर टिकी हुई थी। आखिर क्यों था फ्रांस का चुनाव इतना खास, देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रांस में 2002 के बाद कोई नेता दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुना गया था, लेकिन मैक्रों ने इस सिलसिले को तोड़ दिया। हालांकि इस बार की जीत में उनकी जीत का अंतर कम हुआ है। 2017 में मैक्रों को 66.1% जबकि ली पेन को 33.9% वोट मिले थे, जबकि इस बार आखिरी राउंड की वोटिंग में मैक्रों को 58.2% और ले पेन को 41.8% वोट मिले हैं। दुनिया भर से मिल रही बधाई, जीत के बाद मैक्रों को दुनिया भर से बधाई मिल रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के तौर पर आपको री इलेक्ट होने की बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि हम उन मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे जो हमारे देशों के साथ दुनिया के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने मैक्रों के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि हम आपस में सहयोग जारी रखेंगे। वही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा और फ्रांस के लिए जरूरी मुद्दों पर काम जारी रखने के लिए आशान्वित हूं। भारत के लिए इस चुनाव के मायने, फ्रांस के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। फ्रांस की कोई सरकार भारत विरोधी नहीं रही। मैक्रों अपनी रैलियों में साफ कर चुके हैं, भारत उनके एजेंडे में फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर है। फ्रांस का यूएन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट है। क्यों अहम है फ्रांस के चुनाव? 6.70 करोड़ की आबादी वाला फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टूरिज्म और लाइफस्टाइल एसोसिएशन के लिए दुनिया भर में मशहूर फ्रांस तीसरे सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर भी है। यूरोपियन यूनियन के फाउंडर मेंबर होने के साथ वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क।